66 यही फाइनल करिए। बेस्ट दोस्तों, आज यहाँ पे होने वाला है BSNL एयर फाइबर का इंस्टॉलेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसे दूर दराज के एरिया में, जंगल में, गांव में, जहाँ पे किसी का भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, ऐसे जगहों पर भी BSNL हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है BSNL एयर फाइबर और BSNL फाइबर के माध्यम से। जहाँ तक अभी तक फाइबर नहीं पहुँचा है, वहाँ BSNL हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन BSNL एयर फाइबर के माध्यम से भी पहुँचा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसको अच्छे से फिट किया जाता है ड्रिल मशीन की मदद से। जो ऊपर का एंटीना होता है, उसकी जो साइज होती है, उसका जो क्वालिटी होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना दूर टावर से कस्टमर का घर है। जैसा कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर इसको इंस्टॉलेशन में कितना चार्जेस लगता है और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो चार्जेस होता है वो कस्टमर के घर के लोकेशन का प्लस वो टावर, BSNL के टावर से कितनी दूरी पर उसका घर है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का है तो लो क्वालिटी का एंटीना लगाया जाता है ताकि वो नज़दीक का सिग्नल कैप्चर कर सके, और अगर दूर है, मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए हाई क्वालिटी का एंटीना लगाया जाता है, जिससे वो दूर के सिग्नल को क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो इनका घर जो है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इनके यहाँ यूबिक्विटी का लाइट बीम लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, एंटीना की फिटिंग हो चुकी है और उसमें केबल लगा करके इसको टावर की दिशा में दिखाया जा चुका है, और बाकी की यहाँ की जितनी भी सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आउटडोर का सेटअप कंप्लीट करने के बाद वो केबल जाएगा घर के अंदर, जहाँ पे राउटर को रखना है। तो इंडोर की सेटिंग अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडोर की सेटिंग कैसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे केबल यहाँ पे आ चुका है। ये केबल आप जनरली देखेंगे, ऊपर से एंटीना से सिग्नल जो रिसीव होगा, उस इस केबल के थ्रू फिर वो जो आपका इंटरनेट है, और इसी के थ्रू पावर भी एंटीना को जाता है। एक ही केबल लगता है, जिसे RJ45 लाइन केबल आप बोल सकते हैं, 8 फेयर का केबल रहता है। ये यहाँ पे उसकी क्रिम्पिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें दोस्तों ये लैन केबल की क्रिम्पिंग यहाँ पे हो जाएगी, और यही केबल डायरेक्टली POE में डालेंगे। मतलब कुछ झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सेटअप है। कोई केबल वगैरह का झंझट नहीं कि बीच में कोई कट कर दिया तो हमारा इंटरनेट बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नल अगर अच्छा आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी प्यारी इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी एंटीना की जो सेटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। सेटिंग होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिग्नल इसमें कितना सिग्नल चाहिए होता है ताकि अच्छी स्पीड आए। जनरली 80 के अगर नीचे है, -80 dBm के अगर नीचे है, तो सिग्नल अच्छा आता है। जैसे इनके यहाँ 3 एंटीना का सिग्नल आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका घर है, तो आप देखेंगे, हम सोचेंगे कितना कम से कम सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो, उतना बेहतर है, माइनस में रहता है इसके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं 68, 66 ये सिग्नल आ रहा है, तो ये बेस्ट कैटेगरी में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 66 है, इसको फाइनल करते हैं, यहाँ पे इसको डन करेंगे 66 में। उसके बाद एंटीना का अलाइनमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। ये एंटीना का अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब टावर से उसकी सेटिंग हो रही है। तो जब 80 के नीचे तक जितना पावर रहेगा, उतना बेहतर रहता है इंटरनेट की स्पीड को। तो यहाँ तो 66 है, वैसे ही बहुत प्यारा सिग्नल यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद बाकी ऊपर के एंटीना की सेटिंग करने के बाद और नीचे की राउटर की सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे इनको देखिए मिल रही है। इन्होंने जो प्लान लिया है, सबसे छोटा प्लान एयर फाइबर बेसिक्स प्लान लिया है, जिसमें 499 प्लस GST का प्लान रहता है, जिसमें आपको अप टू 30 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 MBPS से भी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रही है। सबसे छोटा प्लान लिया है इन्होंने, अप टू मतलब 0 से 30 MBPS के बीच का स्पीड आने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके यहाँ सिग्नल अच्छा था। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट की स्पीड काफ़ी प्यारी इनके यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन में था, तो इन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे ही सर रख दीजिए, बाद में हम इसका फाइनल सेटअप करा देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी स्पीड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप अगर BSNL का फाइबर या एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं, तो नज़दीकी BSNL ऑफिस पर जा करके आप उसके लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और आपके यहाँ कुछ ही दिनों में फाइबर और एयर फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लग जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने